वो मेरे गुरु भाई हों, गुरु बहने हों या प्रियजन हों, सबको मेरा प्रणाम। ये कोविड 19 की त्रासदी में हम सभी अभी हैं, लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, जीतेंगे तो हम ही। केवल हमें सतर्कता की ज़रूरत है, भय की ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं है। हमको आपको सतर्क रहना है, वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क पहनना हो, भीड़ की जगहों में अनावश्यक नहीं जाना हो, टहलने वाली आदत छोड़नी होगी, अकेले टहलें तो टहलें लेकिन लोगों के बीच उचित नहीं होगा। हम लोग शिव के शिष्य हैं, आप भी हैं, मेरे साथ कठिनाई है कि मैं आपको देख नहीं रहा, आप मुझको देख रहे हैं। इसलिए आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है कि नहीं, आप सतर्क हैं कि नहीं, ये आप ही बता सकते हैं। मैं तो आप दिख नहीं रहे हैं तो मैं तो नहीं बता सकता। जब से ये सूचना दी गई है कि मैं कैमरे पे आऊँगा, फेसबुक लाइव पर मैं आऊँगा, तब से बहुत सारी जिज्ञासाएं मोबाइल पर मैसेज के रूप में आई हैं। उतनी जिज्ञासाओं का उत्तर तो संभव ही नहीं, कुछ जिज्ञासाओं को यथासंभव हम लोग उत्तीर्ण करने का प्रयास करेंगे। और ये प्रयोग अगर सफल रहा, आपने सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखी, सतर्क रहे आप कोविड-19 के में लॉकडाउन में, तो हो सकता है कि अगले सप्ताह फिर शुक्रवार को 1 बजे मैं फिर आपसे मिलूं। और अगर आपने नहीं किया तो ये भी बंद होने के कगार पर होगा। आइए देखते हैं आपने क्या जिज्ञासाएं भेजी। छोड़िए जी, सबसे पहले तो ये है कि साहब आप कैसे हैं, ये सब कोई जानना चाहता है कि साहब अभी कैसे हैं, स्वस्थ हैं कि नहीं, और हम लोग के लिए उनके तरफ से क्या निर्देश है, क्या मैसेज है। मैं स्वस्थ हूँ, अब उम्र का पड़ाव जो कह लीजिए, मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप तो स्वस्थ हैं ना, अब तक जो मुझको सूचनाएं मिली हैं क्षेत्रों से, आप स्वस्थ हैं। हम तो स्वस्थ हैं लेकिन अस्वस्थों की मदद करना भी हमारा काम है। हमने तो पेट भर लिए लेकिन दूसरे भी खाएं, भोजन करें, इसकी भी जिम्मेवारी हमको आपको लेनी होगी। मनुष्य पैदा तो अकेले होता है लेकिन जीता है समाज में, और सामाजिक दायित्व उसके होते हैं। इसलिए हम लोगों को इस दायित्व का भी निर्वहन पूरी सतर्कता के साथ करना है, लोगों की मदद करनी है, लोगों की सहायता करनी है। आप स्वस्थ रहें, ये मेरी अपने गुरु शिव से प्रार्थना है। पर एक बात जान लीजिए, आप देखेंगे शिव के बारे में कथा है कि उन्होंने विषपान किया। शिव की पूजा में, शिवालयों में आप देखेंगे कि जो पुष्प या सामग्रियां अर्पित की जाती हैं, उन सामग्रियों में अमूमन वे ही द्रव्य हैं जो जहरीले हैं। धतूरा हो, बेल का पत्ता भी जहरीला होता है, ये कीटाणुओं को मारता है, और जो भी सामान चढ़ते हैं उनको, सामान्यतया जो चढ़ते आ रहे हैं उसमें कुछ न कुछ विष है, रहता है। और ये कोविड-19 भी एक विषाणु है। आज तक विष पान करने से लेकर विष की जहाँ तक परिधि रही है, हमारे अध्यात्म में शिव ही सामने नजर आते हैं। तो विषाणुओं से मुकाबले में
फिर शिव हमारे आपके सामने होंगे, हमको शिव के नज़दीक जाना चाहिए। होता ऐसा है कि शिव हम लोगों के बिल्कुल करीब, हम ही शिव से दूर हो गए, हम ही महादेव से दूर हो गए। हमको अपने मन को शिव के नज़दीक ले जाना चाहिए। काम ही क्या, दिन भर काम कर लेते हैं, लॉकडाउन में तो वो भी काम करीब करीब बंद है, शाम में फुर्सत तो मिलती है। मैं नौकरी में था तो 10 बजे रात में कभी कभी मुझको प्रशासन से के काम से मुक्ति मिलती थी, और तब भी मैं शिव चर्चाएं करता था। वो रात का 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, रातें हमने जाग के सोई हैं, शिव चर्चा में गुजारी हैं, समय तो मिलता ही। आपको शौक हो, आपको लगन हो, किसी काम को करने की तत्परता हो, तो समय है हमारे आपके पास, समय हम निकाल लेते हैं। तो चलिए, आप अच्छे रहें, शिव के सानिध्य में रहें, वो आपके सानिध्य में हैं, शिव हमसे दूर नहीं है, हम उनसे दूर हो गए। हमको आपको शिव के नज़दीक जाने का प्रयास करना चाहिए। और याद रखिए, शरीर कर्म नहीं करता, शरीर नहीं कहीं जुड़ता है, मन जुड़ता है, और मन तो कहीं से कहीं जुड़ सकता है। शरीर से जाने में हमको पटना जाने में 7 घंटा गाड़ी से लगेंगे, मन से हमको न्यूयॉर्क जाने में 1 क्षण भी नहीं लगेगा, दूरियां खत्म हो गई। देखिए न्यूयॉर्क कितने नज़दीक हो गया मेरे मन। न्यूयॉर्क जाने में रात भर किसका सफ़र होगा, वो भी हवाई जहाज से, और मन से मैं अगर न्यूयॉर्क जाऊँ लीजिए पहुँच गया, दूरियां ख़त्म हो गई, समय भी नहीं लगा, क्षणांश लगा। तो शिव से जुड़ने में मन ही आपका हमारा एपरेटस है, उपकरण है, इसका हम आप प्रयोग करें, इसके प्रयोग से ही हम शिव के नज़दीक जा सकते हैं और शिव को अपना संबल बना सकते हैं, इन विषाणुओं से भी लड़ सकते हैं। सतर्क रहना है, परहेज में रहना है, लड़ना है और आगे बढ़ना है, देश को भी बढ़ाना है। शिव के शिष्य देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, देंगे। भाई अभिनव जी हैं बेंगलोर से और भाई भोला सिंह जी हैं पाकुड़ से, उन दोनों की यही जिज्ञासा है कि आजकल जब से कोरोना के बारे में इतनी चीज़ें हुई हैं तो कुछ दिनों से मन में निगेटिव विचार आते हैं, हमेशा कुछ हो जाने का भय बना रहता है। एक वैश्विक महामारी कोरोना ने हम सभी के अंदर एक अदृश्य डर पैदा कर दिया है, महादेव कम याद आ रहे हैं और कोरोना ज़्यादा, नमः शिवाय से प्रणाम और दया की याचना करने के बाद भी मन विचलित होता रहता है, क्या करें? देखिए, मन में वो सकारात्मक विचार आया है या नकारात्मक, whether it is negative or positive, तरीका ये है कि जो भी विचार आते हो वो नकारात्मक हो सकारात्मक हो, वह अपने शिव के चरणों में समर्पित करें हम आप। कहे कि निगेटिव विचार हमारी सोच से नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तो आ रहे हैं, पॉजिटिव विचार हमारी सोच से नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तो आ रहे हैं, उसमें हम आप क्या कर सकते हैं? परिस्थितियाँ, वो विचार परिस्थितिजन्य हो सकते हैं, स्थितिजन्य हो सकते हैं, परिवेशजन्य हो सकते हैं, तो हम आप क्या कर सकते हैं? जितना बनेगा उतना ही ना करेंगे, जितनी शक्ति और जितना सामर्थ्य होगा उतना ही ना करेंगे। सबको शिव के चरणों में अर्पित कर दीजिए, धीरे धीरे आपका मन स्थिर भी होने लगेगा, विचार सकारात्मक होने लगेंगे। आपने पूछा है कि नमः शिवाय करते हैं, शिव से दया मांगते हैं, तब भी मन में नकारात्मक विचार निगेटिव थॉट्स आते हैं, वो तो मन की आदत है, वो तो चंचल है, अनावश्यक हम लोग कोरोना से डर गए। डरना तो इलाज नहीं है, डरना तो मुसीबत का रास्ते निकालने का तरीका नहीं है, हमको लड़ना होगा, हमको आगे बढ़ना होगा और भगवान शिव से दया मांगनी होगी। नमः शिवाय तो शब्द है, शब्दों का बहुत संबोधन का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, संबंधों में तो भाव का प्रभाव पड़ता है।
आपने हमें नमन शिवाय किया, क्या हमारे आपके मन ने उस शिव को प्रणाम किया, प्रणाम का भाव आया? अगर प्रणाम का भाव आ रहा है, अगर शिव को प्रणाम करने की मन स्थिति बन रही है, तो नमः शिवाय बहुत जरूरी है। नमः शिवाय का सहारा लेके शिव को प्रणाम किया जाए, ठीक है, सहारा में काम करता है वो, लेकिन नमः शिवाय का सहारा शिव के को प्रणाम करने की भाव स्थिति में जाने के लिए लिया जाए। और अगर आप शिव भाव से, शिष्य भाव से, या जो कहिए भक्त के भाव से शिव को प्रणाम करते हैं, वो प्रणाम आपका परिणामदायी होगा, आपके मन को स्वच्छ रखेगा, स्थिर रखेगा, शांत रखेगा, उसको सकारात्मक दिशा देगा। शिव में तो निगेटिव ऊर्जाएँ हैं ही नहीं, उनकी शक्तियों में भले हैं, लेकिन हमेशा जान लीजिए जहाँ निगेशन है वहाँ पॉजिटिव है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ निगेशन है। हर सृजन में संहार है, हर संहार में सृजन की कामना। नेक्स्ट। चांदनी गुरुवार पटना से कहती हैं कि प्रेम में इतने फासले क्यों होते हैं, प्रेम में इतनी पाबंदियाँ क्यों होती? प्रेम में पाबंदियां तो होंगी। प्रेम की आदत है कि ये दो सत्ताओं में पैदा होता है। प्रेम दो सत्ताओं में पैदा होता है, एक प्रेमी और एक प्रेम का पात्र। दो सत्ताओं में ये पैदा तो जरूर होता है, लेकिन दो सत्ताओं में रहना नहीं चाहता, ये दो सत्ताओं को एक करता है। कबीर की वो पंक्ति याद करिए, प्रेम गली अति साकरी नेरो, प्रेम गली अति साकरी जामे कुटुंब न समाय। जामे क्या तो है ऐसे कुछ दो ही न समाय, यानी दो से शुरू होता है, दो में रहता नहीं है ये, लेकिन जैसे दो से एक होगा ये, जैसे दो सत्ताओं में पनपा है प्यार और एक होगा ये, अब प्यार मरने लगेगा कि अकेले रहता नहीं है, इसलिए फिर बिलगाव होगा, फिर फासले होंगे, और फिर फासले होंगे फिर प्रेम एक करेगा, फिर फासले होंगे फिर प्रेम एक करेगा। शिव और शक्ति की यही व्याख्या आई है, वो भगवती शिव से इतना प्रेम करती हैं, लेकिन प्रेम जब करेंगी तो दोनों सत्ताएं एक होंगी, और जैसे दोनों सत्ताएं एक होंगी अब प्रेम टूटेगा, प्रेम अकेले रहता ही नहीं है, दो मिल जाएगा और ये हर पल चलता रहता है, ये विरह मिलन विरह मिलन विरह मिलन। तो प्रेम में तो फासले होंगे, पाबंदियाँ तो हमारे आपके जीव भाव के चलते हैं, हमारे अपने कर्म, अपने स्वकर्म हैं, हम लोग का अपना किया हुआ कर्मफल है, जिससे पाबंदियाँ भी लगती हैं और छूट भी मिलती है। भाई आलोक ने कटिहार से कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी मैं जगत को ही क्यों चाहता हूँ, शिव मंत्र भारी क्यों नहीं है? क्या कि वो शिव जीव भाव में, जगत के भाव में हमारे आपके रूप में दिख रहा, वही शिव जब जीव भाव में आता है, सृष्टि की इच्छा करता है, तो जगत और जीव श्रेष्ठ होता है। तो जीव भाव की कामना से हमारा आप, हम आप सृष्टि हैं, मनुष्य सृष्टि है, बनाई है, तो जीव भाव तो रहेगा ही रहेगा, वो तो बाई बर्थ है, प्रेम भी बाई बर्थ है, लेकिन जगत से जीव भाव रहेगा ही रहेगा। और जब जीव भाव रहेगा तो सोच में भी जगत होगा। यहाँ शिव भाव को लाना पड़ता है, आप गुरु के सानिध्य से लाइए, गुरु कृपा से लाइए, गुरु की दया से लाइए, लेकिन यहाँ शिव भाव लाना पड़ता है। उसके सीड हमारे आपके बीच हैं, हमारे आपके प्राण में हैं, हमारी आपकी में आए हुए हैं, बने हुए हैं, लेकिन उस सीड को अंकुरित कराना होगा, पल्लवित कराना होगा, पुष्पित कराना होगा, इस तरह से चलना होगा। करिए शिव को प्रणाम, करिए लगन से, करिए मन से, करिए, और सबसे बड़ी बात है भाव से करिए, धीरे धीरे कुंठाएँ और अन्य चीज़ें खत्म होने लगेंगी, आपका मन शांत होगा। ओम जी विराट नगर नेपाल से हैं, कैसे हो पाएगा प्रथम और तृतीय सूत्र जबकि सुबह से लेकर रात तक रक्त बीज की तरह कोरोना जल जकड़ के रखा हुआ है, सभी को देख रहे हैं। ओम जी नेपाल, नेपाल के गुरु भाई भी लगता है कि देख रहे हैं भाई, नेपाल के भी सारे गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम है जी, पूरी दुनिया में विदेशों से भी तो, काफी लोग अभी भैया मेरा सबको प्रणाम है, मैं नत हूँ सबके सामने। क्या सवाल था जी? ये
कैसे हो पाएगा प्रथम और द्वितीय? हाँ समझ गया मैं। हाँ शिव शिष्यता के तीन सूत्र सबको मालूम, और ये तीन सूत्र कुछ नहीं है, तीन काम हैं। वो काम इसलिए हैं कि हमारा मन शिव को भूल नहीं जाए। मन किसी को भूलता है तो संबंध टूटती हैं। मन में आपका कोई संबंध खत्म होने लगे, भूलने लगे आप, तो संबंध सोने लगेगा, आपकी परवाह कम होने लगेगी। तो शिव के साथ भी यही है, वो आपके गुरु हैं, उनके साथ भी यही है। मन भूलेगा तो शिव से आपका सानिध्य कमेगा, संबंध कमज़ोर होगा। और मन इस बात को केवल नहीं भूले, इसको बोलते हैं संकल्प दीक्षा। आपने मन से संकल्प लिया है कि शिव मेरे गुरु हैं, तो ये हमेशा आपको स्मरण रहना चाहिए। इसी के लिए तीन सूत्र दिए गए। दूसरा सूत्र जो दूसरों के साथ शिव चर्चा करना है, दूसरों को भी स्मरण कराना है, दूसरों को भी प्रेरित करना है, और अपने भी शिव की ओर बढ़ना है। दूसरा सूत्र अभी के परिवेश में संभव नहीं है। हम आप घर से निकल नहीं रहे, निकलना सुरक्षित नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अरे जिंदगी रहेगी तभी ना शिव हमारे आपके लिए, शिव तो रहेंगे लेकिन हमारे आपके लिए तो नहीं रहेंगे। अब मरने के बाद क्या होता है ये तो मुझको मालूम नहीं, तो जिंदगी रहेगी तभी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, जान है तो जान। तो दूसरा सूत्र तो संभव नहीं है। और मेरी जीवनी को आप देखें, मैंने 1974 में शिव को गुरु माना था, आरा के गांगी शमशान में। 8 वर्षों तक मैंने किसी से नहीं कहा कि मैंने शिव को अपना गुरु बनाया, यही कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन एक संकल्प था, एक निश्चय था, वो भी दृढ़ निश्चय था कि मैंने शिव को गुरु माना है, अब उन्हीं को गुरु मानूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा। अगर आप दृढ़ निश्चय पर खड़े हैं, शिव आपके गुरु हैं, शिव का आपको संबल मिला हुआ है, शिव का संबल तो सबको मिला हुआ है, हम ही लोग छोड़ देते हैं। अगर हमको आपको शिव का संबल मिला हुआ है, प्राप्त है, कि COVID-19 से कहा डर रहे हैं भैया, किसी से डर जाना तो कोई इलाज नहीं है। अब कोई मौत से डर के कोई काम ही नहीं करेगा, मौत तो ऐसे भी आनी है, आज नहीं तो कल, यहाँ जो भी आया जाएगा, तो COVID-19 से क्या डरना है, उसे लड़ना है। मैंने कहा नहीं, आप सतर्क रहें, लड़ें, दूसरों की मदद करें, अपने भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करें, कोशिश करें, सलाह दें, जो बन सके उसको करें। डरने से कैसे काम चलेगा? मैं 72 साल का आदमी, डर जाऊंगा तो मेरे प्राण धुक धुक करके यही निकल जाएंगे, डरने से काम चलता? और जब जानते हैं कि मौत आनी है तो मौत से क्या डर रहे हैं, वो तो आनी ही आनी है। हाँ बीमारी है उसे लड़ेंगे, हम तो शिव के शिष्य हैं, लड़ेंगे, देश को भी बचाएंगे, दुनिया को भी बचाएंगे, समाज को भी बचाएंगे। इसलिए घबराना नहीं है, हम आप घबराए नहीं, लड़ें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। आज बस इतना ही, आप सबों को मेरा प्रणाम।